मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। बोलो साईनाथ बाबा की मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। बाबा तेरे नाम के दीवाने, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने, बाबा जी बाबा तेरे नाम के दीवाने, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। दिल मेरा लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जलता, तेरे बिना दिल मेरा लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जलता, तेरे बिना दिल मेरा लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जलता नहीं, तेरे बिना दिल मेरा लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जलता नहीं, तेरे बिना दिल मेरा लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जलता, तेरे बिना दिल मेरा लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जलता। सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए। हाथ ऊपर ऊपर ऊपर, बाबा तेरे नाम के दीवाने, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। बोलो सांचे दरबार की जय हो, हर हर महादेव। महाराज दशरथ के अंगना फिर सुनना हो गए, बोलो दुर्गा मैया की जय हो। अब दशरथ हैरान है, अब क्या किया जाए, तीन रानी है दशरथ के सेवा करत करत, बरसों बरस बीत गए, ना ये कोठान नोनी ना ये कोठान बाबू, डोकरा मन कथे एक को जान के नसीब में नहीं है, औला में को जान बने आसान छोकरी, दशरथ संतान के कारण तीन रानी के बाद और शादी करी, बोलो दुर्गा मैया की जय हो। रानी लानी दशरथ दो चार साल देखे फिर रानी लाने, दो चार साल देखे फिर रानी लाने, दो चार साल देखे। अब लड़का पाए बात सुवारी चलाने, टोटल कटका रानी बताए गए महाराज दशरथ के शास्त्र में 703, कौशल्या कई कई सुमित्रा के छोड़ 700 रानी औलानी दशरथ, बोलो दुर्गा मैया जय हो। अब उसका घर वाली लाना तो ले डोकरा, नहीं हो ही वो 703 रानी, तब होले लड़का
मियाई कावा वो दस मुड़िया सब लोग बिगाड़ दे रावण है वो बच्चा चुनिया बुढ़ापा छू दी कौन ला महाराज दशरथ ला। एक दिन दरबार जाए बर सजत रहा मुकुट ला पहन के दर्पण के आघूम देखी सोझा सोझा कली है पाग गे कली के बाल पाग गे राधा दशरथ बैठ गे मूल लदार के में डोकरा हो गे मोर चुंदी पाग गे पहली चुंदी है बताए डोकरा हो तेला अब नी बताए अब तो पांची पढ़ाते टूरक मुड़ी पक पक ले पाग आए केस सफेद हो गए चुंदी पाक के दशरथ रोई सुई दिन बैठ के अब का करो बेटा पाए बर 703 रानी लाने लेकिन एक औलाद नहीं मोर नसीब में निर्वंशी होंगे भारी रोई दशरथ तब गोस्वामी पूज्य महाराज लिखी एक बार भूपति मनमाही औ भय गलानी मोरे एक बार भूपति मनमाही एक बार भूपति मनमाही भय गलानी मोरे सुतना गुरु गृह गया तुरंत महिपाला गुरु गृह गया तुरंत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला चरण लागी करी विनय विशाला निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए निज सुख दुख सब हो बोलो लखन श्री रामचंद्र की लाख जतन करी दशरथ ल बच्चा प्राप्त नहीं होई दशरथ बूढ़ा हो गए अंत में रोते रोते महाराज दशरथ गुरु गृह गया उ तुरंत मही पाला और चरण लागी करी विनय विशाला साष्टांग डंडा सर और रोए लगे गुरुदेव गुरु वशिष्ठ कहते काहे दशरथ कहे मुझे बुढ़ापा छू गया अभी तक मेरा कोई कुल दीपक नहीं है मेरे बाद अयोध्या का क्या होगा मेरे प्रजा का क्या होगा प्रभु मैं निर्वंशी हूँ दया करो निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए भगवान के दरबार में जाकर रोना चाहिए गुरु के दरबार में जाकर रोना चाहिए काला तोर मन में जत का दुख है तेला वही सुना हम नौकर कर निरोन दुनिया कर रो था दुनिया का कर थे ते रो रोक तोर दुखला बतावे तेला दस जगह वो बग रही बर्दु पाते बर्दु पाते विकट मारते कथे विकट ता तोर दुखला दुनिया वाला कर मात्रो सही दुख गोहार कर एक जगह भगवान के दरबार है बोलो शंकर भगवान की जय हो राजा गुरु के दरबार में रोई गुरु मतलब सर्वशक्तिमान गुरु लगा कह गए गुरु के महत्ता का बताए गए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः साक्षात परमेश्वर बताएगी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर राम के दरबार में जाओगे केवल राम का दर्शन पाओगे कृष्ण के दरबार में जाओगे केवल कृष्ण का दर्शन पाओगे यदि गुरु के दरबार में जाओगे तो एक साथ चार दर्शन पाओगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर और गुरु साक्षात परमेश्वर तस्मै श्री रोई दशरथ और दशरथ के रोना
मैं कल बताया संत हृदय नवनीत समाना, संत दूसरा दुख लनी देख सके पिघल जथे, गुरु वशिष्ठ ला दया आगे उठाई घोलट के रोत रही थी उत्का बड़ा अयोध्या का राजा तेरे उठा के थे मत रो, अरे मत रो ते गुरु के दरबार में आए कावर रो था अतका कर बिहा करे कोठा लइका नहीं है बाबा आओ का जतन करो में मत रो चुप हो जा अब मत रो की सब का की दी बड़ा ध्यान से सुनो गुरु वशिष्ठ कर रोइस ते कर बदलम वशिष्ठ मुनि का की धीरज धरहु होहि सुत चारी त्रिभुवन विधि कर भगत भय हा धीरज धरहु होहि सुत चारी त्रिभुवन विधि कर भगत भय हा त्रिभुवन विधि कर भगत भय हा त्रिभुवन विधि कर भगत भय हा। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। अच्छा एक बात बताओ, राजा दशरथ था लोग लेकर नहीं है और राजा दशरथ का जेका लोग लेकर नहीं है तब मंदिर में जही तो का कही के रोही मोला ये कोठान उसने कही नहीं दूने को जन कही मोला तीन चार ठन कही का जेकर नहीं है ते एक ठन मांग कर ही लेकिन गुरु बाबा का की एक ठन कथा धीरज धरहु हो ही सुत चारी अब कैसे बेटा त्रिभुवन विदित भगत भय हारी ऐसा पुत्र मिलेगा दशरथ चा आज तक कोई नहीं केरी डूबत ला तीन का सहारा काफी होते ये तो जी एक सहारा बता दी चार बेटा कब होई कब का चाटन होई कदत कब तब दाढ़ी वाला बाबा कथे ओकर लिए मानत जग कर बे तब राजा दशरथ अवध में पुत्रेष्ठी यज्ञ के आयोजन करो सिंगी ऋषि के स्वागत करो सिंगी ऋषि ला न्योता दे के ले आओ कबर डिग्री सिंगी ऋषि कर है पुत्रेष्ठी यज्ञ करे के बोलो दुर्गा मैया की जय हो। सब ला अलग अलग डिग्री मिले रथे और डिग्री के अनुसार से उनकर काम रथे सिंगी ऋषि महाराज दशरथ निमंत्रण देलगी नंगे पांव देख देख राजा पांव में पन्ही नहीं पहनी काबर भगवान के दरबार जाना है तो दीन बन के जाते ते भर झोली पाते और मंडल बन के जही ते कुछ नहीं पाए बोलो बजरंग बली की जय हो। मांगना है तो का बने लागी मांगना है का बने लागी मंगैया देखा बेटा तो दी ते हाथ फैला थे ते मांगने वाले और जे देते थे वही दानी है बोलो दुर्गा मैया की जय हो। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। रामायण कथा की ही महत्ता है रामायण कथा यदि मन लगा के थोड़ा से भी सुना था अब ये को ठन अपना ने तोर भाग जाग गए बोलो दुर्गा मैया की जय हो। एक ठन गांव अब्बर रामायण होए अब्बर भागवत होए अब्बर कथा कीर्तन लेकिन एक जन ऐसे मंडल रहा है ते कब्बू नहीं जाए सुने कब्बू नहीं जाए अब गांव में सबले ज्यादा मंडल पूरा बस्ती वाला मंडल का ओकर घर वाली भड़क गई अतका रामायण होते अतका कीर्तन होते ये को दिन तो जाते तब भागवत मारी हिस्सेदारी ओकर बाई के दबाव में एक दिन निकली मंडल भगवती महाराज के आग पहली पंडाल भर गए रहा
अब महाराज के बेरा आए खो गए अब वही बीच में वो कभू कथा वथा नहीं सुने ते मंडल ऐसा पूरा पंडाल खड़े हो गए बैठे रहे तो जिंदगी में कभू कथा नहीं सुनी अब पूरा बस्ती काम चला है सब माने मंडल एक जन अपन साफिल जठा दी चटाई को आइए आइए की बैठ के मंडल अब सब जन फिर बैठी महाराज पहुंच गए भागवत वाला अब भागवत वाला महाराज जैसे बैठी इस गद्दी में वंदना चालू करी मंडल आके आइए बैठिए की बैठी से कर वंदना चालू है मंडल के सुताई चालू है पूरा भागवत के होतले मंडल सूत आरती हो गए प्रसाद बटा थे महाराज मंच ले उठ के चल दी तये जेकर सांपी जठे रहा ते जगई मंडल मंडल तब झक मक कथा हो गए वो मंडल उसने की कथा हो गए हाँ हो गए बहुत मजा आया कहा मंडल है कहा बहुत मजा आया कहा वो आइए बैठिए कहरी ते घुसक मारे जाइए की अब ये मंडल अपन घर आई दाई ओकर घर वाली खुश होके आरती उतारी सोकर मोर गोसाइया भागवत सुन के आते दाई की टीका भी कल गई अब भीतरी में लेके बैठारी काका हो इस मंडल भागवत सुनेल गे रे मंडल कथे वहां कुछ नहीं हुआ है आइए बैठिए जाइए और तो कुछ नहीं हुआ वो दिन भर सूते है तक ओकर घर वाली कथे जे सुन के आए तेल मंत्र बना ले भागवत स्थल ले जे चीज सुन के आए तेल मंत्र बना ले और दोहराए कर वही है तोला आगे बढ़ा दी तो तरक्की कर दी कि ओकर घर वाली और अब रात की मंडल हा सूते त नींद नहीं पड़े दिन भर तो भागवत कर सूते सब लट्टू चिमिक ले उठा दी ओकर घर वाली की नींद पड़ गई एकर नींदे नहीं पड़े ता सूते सूते मंडल सोची घर वाली के जेल सुन के आए तेल दोहरात रबे भाई गे उल दोहरात रथों और जैसे मंडल दोहराहू की अंधियार है सब लट्टुल बुथो दे उस दिन मंडल घर चोर हा खिड़की तहां ले जस्ट कूदने वाला रहा अब मंडल भीतरील दोहराई सुने है तेला आइए चोटा कथे कथे कर ले देखा थे आइए की ही तेला चोटा सुनी चोटा कथे दादा अंधियार में कथे दहल देखा फिर सोची चोटा हो सकते अंदर में काकरसन गोठिया तो यो कलम वाला देखी में त्याग कर खिड़की दहल ले पाच ले कूदी और जैसे कूदी वो दूसरा मंत्र ला दुआ रही बैठिए चोटा कथे पक्का देखा थे आइए की ही बैठिए की चोटा डर के मारे जे खिड़की लाए थे कि कूद के भागी अब खिड़की बुलकत रहा तब की मेरे तीसरा बात की दी जाइए चोटा कथे मोल देख दार इसकाली रिपोर्ट करी बिहनिया की चोटा औ चोराए रहा है सामान तहुल धार के लानी औ मंडल के गोड़ खाले मढ़ाक कथे मोन नाम मत लेबे थाना में रिपोर्ट मत करबे मंडल समझ नहीं आए अब सब चीज मसला छोड़ के रेंग दी होकर बाई ल जब बताई इस मंडल हा तब बाई कथे जे गलत चीज ल सुन के आए भागवत कर जाके आज हमार घर चोरी होई से बांझ गे ते रात की आइए के हे बैठिए के हे जाइए के हे ओ चोटा खुसरे रही ते डर के मारे अब मो नाम मत ले दे कि चोराए सामान ल तोर कल जब गलत शब्द ल सुन के आए आपका फायदा हो गए भागवत के सही बात ल सुनते तकत का फायदा होती मंडल जाग गई बिहान दिले भागवत सुने चालू कर दी बोलो दुर्गा मैया जय हो कथा जीवन के व्यथा दूर करते होकर सती भगवान की कथा सुने बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो सिंगिरी सिला बलाए बार पैदल न्योता देवर अयोध्या का राजा जावत है भिक्षुक के भांति भिखारी के भांति झोली फैलाए दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में
दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया दिल कलाया, नजराना दिल कलाया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में। बोलो सांचे दरबार की, सिंगी ऋषि के शरण पड़ी राजा दशरथ, और सिंगी ऋषि मना के अयोध्या ले आनी, चारों तरफ निमंत्रण, गुरु वशिष्ठ के सानिध्य सिंगी ऋषि हवन में बैठी, वेद मंत्र के द्वारा अयोध्या में यज्ञ चालू हुई, यजमान बनी दशरथ और कौशल्या, समस्त परिवार विप्र ब्राह्मण संत जन राजा दशरथ के राज अयोध्या में पुत्रेशी यज्ञ शुरू हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। महाराज दशरथ हवन कुंड में घी डाला थे आहुति, और माता कौशल्या सांकला छोड़ा छोड़ा छोड़ा, संकल्पित है मंत्र पुत्र प्राय बा भगति संहिता मुनि आहुति दीने, तब का होई प्रगटे अगनी करू कर ली भगति संहिता मुनि आहुति, प्रगटे अगनी करू कर ली भगति संहिता मुनि आहुति दी, प्रगटे अगनी करू कर ली भगति संहिता मुनि आहुति, प्रगटे अगनी करू कर ली। बोलो राजा रामचंद्र की। संगवारी हो, आप मन ला जो वीडियो हाँ बने लागे चाहिए तो ये वीडियो ला लाइक करूँ, कमेंट करूँ और शेयर जरूर करूँ, और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर दे हूँ। आप सब ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।